कबड्डी कबड्डी कबड्डी। चलिए मैच का शुरुआत होता हुआ दो जबरदस्त टीम लोहाटी और कोसमी 11 नंबर के जर्सी पहने रेडर, बहुत ही अच्छा मुकाबला जिसके पहले से हो रहा है। 11 नंबर जतिप्त ने कमाल करके दिखाया था। जी बिल्कुल, और यह जो मैच है बहुत ही टफ हो सकता है क्योंकि अभी तक जितने मैच पिछले दो मैच जो हुए हैं गोल्डन फाइव में समाप्त हुआ है। अब देखते हैं यह मैच किस समय समाप्त होता है और कितने अंक पर जाकर किसी टीम को देखिए। बहुत बढ़िया, हाँ इसे कहते हैं फिर और देखिए जबरदस्त देखा भैया। आप हमारे डिफेंडर को ही खींचेंगे, हम विपक्षी टीम के रेडर को पकड़ेंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात, और मैं चाहूँगा डिफेंडर्स डिफेंस करते समय जो कुछ नियम होते हैं उन का पालन करें ताकि किसी भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। अभी चलिए खाली हाथ वापिस, अबे जा रहे लोहाटी के 7 नंबर के प्लेयर, बहुत ही अच्छे खतरनाक रेडर है, इतने चलाकी के साथ पॉइंट लेते हैं सामने वाले टीम को। अरे देखिए सपो, अगर सही समय अलग रेड सर हो मैच की ओर चलते हैं। बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच होता हुआ। वर्मा जी लीजिए आप ही तरीक। चलिए इसके बाद तैयार रहेंगे हुनर वर्सेस। इसके बाद हुनर वर्सेस बिलासपुर, ये दोनों टीम अपना तैयारी कर ले। चलिए क्वार्टर फाइनल का अंतिम मैच, और इस बार देखिए जबरदस्त प्रतिभा का प्रदर्शन, रुके डिसीजन देंगे अंपायर। अरे दो बार ये अंदर है सर, किस टीम को दो अंक मिला है? हाँ लोहाटी को दो अंक, एक अंक छुरा कोसमी। चलिए हाँ चलिए 10 नंबर की जर्सी पर छुरा कोसमी के रेडर, बहुत ही शानदार दोनों टीम अभी प्रदर्शन करती हुई। लेकिन ये देखिए गलती गलती से बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया, और खाली हाथ वापिस। चलिए 7 नंबर के पूरा रेडर, इस यह रेडर बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से रेड करता है। देखते हैं किस प्रकार से अंक हासिल करने की कोशिश करते हैं, और खाली हाथ वापिस। 10 नंबर की जर्सी पर आ गए फिर से छुरा कोसमी के सफर रेडर, और इस बार निश्चित रूप से रेडर आउट। जैसे मौका मिला जिस प्रकार से गेंदबाज की गति का इस्तेमाल करके बल्लेबाज चौके छक्के लगाता है ठीक उसी प्रकार से, हाँ आगे में सर हुनर और बिलासपुर इसके लिए
चकमा रेडर को देना चाहते थे लेकिन चकमा खुद खा गया। बहुत बढ़िया 06 हुनर वर्सेस बिलासपुर, ये दोनों टीम तैयार रहेंगे। चलिए बहुत ही अच्छा मुकाबला, रनिंग हैंड टच करने का प्रयास उसी से जारी। और इस बार देखिए जैसे मौका मिला रेडर का एंकल पकड़ने का, शानदार एंकल होल्ड। अभी आ गए सबसे अनुभवी रेडर अपने टीम के, देखते हैं क्या होता है। गहमा गहमी चलती हुई और लाइटमेट का भी ध्यान एकदम बाज की तरह हमारे साहू जी का। चलिए खाली हाथ वापिस, खिलाड़ी देखते हैं अपने टीम के लिए क्या ऑल आउट बचा पाएंगे या नहीं। पॉइंट तो लेना होगा, बोनस से काम नहीं होगा, आप किसी खिलाड़ी के रिवाइवल करना होगा तब ठीक है। और लोहाटी वाले चाहेंगे कि अपने डिफेंस में थोड़ा सा संयम बढ़ते, जिसका फायदा सामने वाली टीम को न मिल के। चलिए चलिए एक तरफा अंक हासिल करती हुई लोहाटी की टीम। और छह नंबर की जर्सी पर बहुत ही कोशिश जारी। चलिए 11 नंबर की जर्सी पर कुछ ना कुछ कमाल करना होगा। चलिए कोशिश जारी, और कोशिश में कितनी कामयाबी मिलती है नहीं। चलिए खाली आप वापस चलिए ध्रुव और लोहाटी टीम के सबसे सफल रेडर उमेश ध्रुव, देखते हैं किस प्रकार से खेल का प्रदर्शन करते हैं। और बहुत ही अच्छे शानदार रेडर हमेशा डेली अभ्यास उनका कबड्डी के प्रति रहता है, जिसके बदौलत आज जो इतने अच्छे खिलाड़ी बने हैं। इधर इशारा नहीं करेंगे। चलिए लोहाटी के ग्राउंड पर 11 नंबर के खिलाड़ी तो भाई आपसे आप स्टार्ट हो चुका है, तो छुरा कुश्ती को अभी तक जितने भी मैच खेले हैं उनका अनुभव, अपना जोश, सभी कुछ दांव पर लगा कर ये मैच खेलना होगा, तभी आप इस मैच में वापसी करेंगे। क्योंकि पिछले जो दो मैच हुई है उनका जो मैच था आपने भी सुना होगा, या अगर आपने देखा होगा तो जो वो जज्बा था वो नजर आ रहा था। आप भी अपने आप को उस लेवल पर लाइए, ये क्वार्टर फाइनल मैच है, आप भी अपना जो अंदर का जोश है उसे बाहर निकालिए, अंदर का अनुभव बाहर निकालिए, अपना एफर्ट बाहर निकालिए और 100% देकर इस मैच में आइए। निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रदर्शन करना होगा, चाहे रेड में हो चाहे डिफेंस में हो, तभी आपकी टीम अलग स्थिति पर पहुंचेगी। और शानदार परस्योर, क्या बात है भाई, वो जबरदस्त रणनीति किसी ने, क्योंकि उस रेडर को मालूम वाली है, इस कारण से तुरंत परस्योर किए। और ये थर्ड रेड है, देख चीते की चाल से आए और उसी उसी तरीके से वापस भी चले गए। हाँ, फुटबॉल टीम के खिलाड़ी आप कृपया मैदान के आसपास पहुंचे, आपके साथी खिलाड़ी आपको याद कर रहे हैं, फुटबॉल टीम के खिलाड़ी। और वैसे भी आपको बता दूं सर, कुंडर और बिलासपुर का अभी होना है। हाँ, तो वैसे भी कुंडर को रेडी हो जाना चाहिए और नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, नहीं तो अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और तत्पश्चात
आपको थोड़ी देर में ही बताएंगे कि कौन सी टीम किसके साथ सेमीफाइनल खेलेगी। बस रिजल्टों का इंतजार है, इनके बाद अंतिम फाइनल मैच होगा, उसके बाद पता चल जाएगा। जी इसके बाद सर अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच है, उसके बाद सेमीफाइनल मैच होना है। लगभग 4 मैच बचा हुआ है। जी भवानी सहितम नमामि। चलिए छोरा उसके लोहाटी कमाई छो रहा है गाना नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया पावन, बहुत ही बढ़िया, अच्छे रीडर हैं और खाली हाथ वापिस अभी पावन को टक्कर देने जा रहे हैं। 12 सॉरी 10, बहुत ही बढ़िया। केवल 4 मैच बचा है, आप अपनी जगह में बैठे रहिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पूर्णता देखा जाए तो 1.5-2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए वार्निंग ओनली कैप्टन कॉल। अंतिम 3 मिनट से, अंतिम 3 मिनट से लीजिए वरना। अब तो छुरा मुझे को भाई आगे आना होगा और कुछ ना कुछ। आप कैंची को छोड़ करके छुरा वालों को छुरा चलाना होगा भैया, क्योंकि लोहार टी लोहार की भांति खेल रहे हैं। जी जी जी। और सौ सोनार के चलाने में कभी नहीं चुके हैं। हाँ वो कहते भी है 100 सोनार के 1 लोहार के, ताकत बहुत है भैया। चलिए तो छुरा वालों को छुरा चलाना होगा, चलाइए। 7 नंबर के प्लेयर बहुत ही अच्छे खिलाड़ी, बहुत ही शानदार, अपने टीम के लिए बहुत अच्छे पॉइंट समय समय पर लाते रहते हैं और क्रास चौक कर दिया गया है और जबरदस्त एंकल होल्ड। अगर ऐसा आप कॉन्फिडेंस पहले से बनाए रखते तो निश्चित रूप से मैच में और रोमांच आता, लेकिन रेडर को पॉइंट लाना होगा। डिफेंस तो ठीक कर रही है, रेडर को अंक हासिल करना होगा ताकि इस मैच में परिवर्तन आए। क्यों वर्मा जी? जी बिल्कुल सर, क्योंकि अब कुछ ही मिनट शेष हैं तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही पड़ेगा, वरना आप तो लेट हो जाएंगे और देर हो जाएगी, लेकिन जल्द वापसी करेंगे तो अच्छा होगा। वापसी निश्चित रूप से बहुत जरूरी है। आप 52 नंबर की जर्सी पहने हुए हमारे मेन ध्रुव देखते हैं किस प्रकार से, और 2 पॉइंट लेकर के लोहाटी के रेडर वापिस। अंतिम 1 मिनट से और स्कोर जाकर है लोहाटी 18 छुरा गोस्वी 6। चलिए चलिए आप, हाँ ये बैलेंस बैलेंस, अच्छा ये सुपर टेकल, अच्छा सॉरी, चलिए सुपर टेकल का 2 अंक देखिए, ये है झूठ का ना। जी बिल्कुल सर, और इसके पहले आपने देखा होगा कि सोता ही 2 पॉइंट जो है वो मिल गया। चलिए 7 नंबर पे, एडवांस टेकर, तो हार्दिक 2 अंक स्कोर जा पहुंचा है छोरा कोशिश का 11-19। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।